जागो तुमी जागो, जागो दुर्गा, जागो दश प्रहर नहारिणी। इस गाने से क्या याद आ रहा है? दुर्गा पूजा, ओह माय गॉड। चारों तरफ दुर्गा पूजा का माहौल है। बॉम्बे में उस हिसाब से पता नहीं चलता है, क्योंकि एक दो पंडाल बनता है, उसमें ही जाते हैं। लेकिन कलकत्ता में ऑलरेडी मतलब गली 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 में पंडाल्स है, और खुशबू वो आने लग जाती है, शारदीया खुशबू। मन एकदम अजीब सा होने लग जाता है। आज मैं दुर्गा पूजा का एक प्रेप करूंगी, और वो भी आप लोगों के साथ, बिकॉज आई एम रियली मिसिंग बंगाल। मतलब ऐसे घर के कपड़ों में मैं दुर्गा पूजा के लिए रेडी होके नहीं दिखाऊंगी। तो शुरू करें। रेडी हो गई हूँ बंगाली अटायर में, यू नो, पूजो साज। पूजो का जो लुक होता है ना, वो ना बहुत हैवी होता है ना लाइट होता है। वो ऐसा होता है जो पहन के आप बाहर भी जा सकते हो लेकिन फिर भी ड्रेसी लगे। वो ऐसा होना चाहिए कि वो पिघले ना। आई एम ब्रिंगिंग टू यू अ मेकअप व्लॉग, वेरी सिंपल, वेरी इजी टू डू एंड विद वेरी फ्यू प्रोडक्ट्स। उसके लिए मेरे पास बस है एक बॉक्स मेकअप बाय इबा कॉस्मेटिक्स। इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। फाउंडेशन, प्री मेकअप सीरम, लिपस्टिक्स, आई शेडो, प्राइमर है, कंसीलर है, हाईलाइटर है, ब्लश है, मस्कारा है, काजल है, आई लाइनर है, कॉम्पैक्ट है। वैसे आप लोगों को याद होना चाहिए इबा कॉस्मेटिक्स के साथ मैंने इससे पहले भी एक मेकअप का ब्लॉग किया था, जहाँ पे मैंने मेरी मम्मी का ब्राइडल लुक रिक्रिएट किया था। मेकअप करने से पहले प्राइमर लगाना ना जरूरी है, तो उससे मेकअप लंबा टिकता भी है और बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है। तो उसके लिए मैं एक प्राइमर लगा रही हूँ। इट इज अ मैटिफाइंग प्राइमर। ये लगा लेने से फेस अननेसेसरीली चमकेगा नहीं। एक्स्ट्रा ग्लो के लिए मैं लगाऊंगी इंस्टा ग्लो प्री मेकअप सीरम। इसमें है 24 कैरेट गोल्ड। फेस में जैसे ही यू नो प्राइमर लगा लिया, फेस इज प्रेप्ड नाउ फॉर मेकअप। अभी मैं इसमें लगाऊंगी वाटरप्रूफ लिक्विड फाउंडेशन। बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है स्किन के साथ और बिल्डेबल होता है। इबा कॉस्मेटिक इज इंडियाज फर्स्ट हलाल कॉस्मेटिक। दे आर पीटा सर्टिफाइड क्लीन कॉस्मेटिक। सबसे बड़ी बात है मेड इन इंडिया है, क्योंकि ये थोड़ा फेस्टिवल का लुक है। मैं थोड़ा सा कंसीलर भी यूज करूंगी। बिल्कुल इसी तरीके से आप कंसीलर को यूज करेंगे ब्राइट वाला, तो आपका फेस लिफ्ट हो जाएगा। देखिए फेस कितना फ्रेश लग रहा है ऑलरेडी। ये एक पीच कलर का टिंट है, इससे ना ग्लोई ब्यूटिफुल यंग सा स्किन लगेगा। इसके बाद है ये HD आई शेडो मेरे पास, तो मैं यहाँ से ये जुम्बा शेड यूज करके थोड़ा सा हैवी आईज बनाना चाहती हूँ। हो गया मेरा आई शेडो। तो ये है इबा का लॉन्ग स्टे आई लाइनर, वाटर प्रूफ है एंड इट्स लाइक अ प्रिसिशन ब्रश। बहुत इजीली आप एक स्ट्रोक में आई लाइनर बना सकते हैं। इसको मैं और ब्राइट करूंगी बाय अप्लाइंग कोहल। उसके ऊपर भी एक्चुअली थोड़ा सा आई शेडो डाल के हम इसको सील कर देंगे। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट इबाज 24 आवर HD मस्कारा। इसका काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, सो हम इसी से अभी मस्कारा भी कर लेंगे। क्विकली दूसरे आंख में भी मेकअप कर लेती हूँ। तो देखिए माय लुक इज ऑलमोस्ट डन। आंखें बन जाता है मतलब लुक कंप्लीट हो जाता है। इसी बॉक्स में दिया हुआ है दो लिपस्टिक, पर मैं यूज कर रही हूँ दिस मरून लिपस्टिक। अब मैं लगाऊंगी द मस्ट हैव कॉम्पैक्ट पाउडर। तो फेस पे ग्लो लाने के लिए मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ। पूरा लुक कंप्लीट है। आप प्लीज मुझे बताइए कि ये लुक कैसा लगा, और नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ इबा कॉस्मेटिक्स का, तो वहाँ से आप बहुत ही इजीली खरीद सकते हैं। आप इंडिया में कहीं पे भी हो, एंड विद माय कोड Debina20 यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। इबा कॉस्मेटिक्स का मस्ट हैव कंप्लीट मेकअप बॉक्स से मैंने पूरा लुक क्रिएट किया। तो बिंदी और ईयरिंग के साथ मेरा लुक कंप्लीट, और जहाँ पे लुक कंप्लीट हो जाता है एक दो फोटो तो बनता ही है। मेकअप वाली थेरेपी तो हो गई, अब भी होना चाहिए थोड़ा सा म्यूजिक वाली थेरेपी। हृदय मम तुमी रबे नीरबे। हाँ अभी तक आया नहीं वो कोई आपके वहाँ से? अच्छा निकल चुके हैं, पहुँच जाएंगे कभी भी। ठीक है थैंक यू सो मच। आपको लग रहा होगा मतलब मेकअप करते करते गाना गाते गाते किससे बात कर लिया।
बात मैंने माई सोनार से किया. एक्चुअली अभी वापस आती हूँ उधर जहाँ से एक्चुअली टाइटल वीडियो का शुरू हुआ है कि आज का दिन कान छिदवाई का दिन है. तो बहुत दिनों से एक्चुअली मैं सोच रही थी, कोई कुछ और एडवाइस दे रहे, कोई कुछ और एडवाइस. जैसे किसी ने बोला एक डेढ़ महीने में ही कान छिदवा लो बच्ची का, किसी ने बोला बड़े होने के बाद करो. सो आई वॉज रियली गेटिंग कन्फ्यूज्ड. तो फिर मैंने इधर ही लोखंडवाला बोल के एक जगह है हमारे घर के पास, वहाँ पे जाके मैंने पूछा. तो जो सोनार के दुकान में ही लोग रहते हैं जो कान में पियर्सिंग करते हैं, ईयर पियर्सिंग करते हैं, तो उन्होंने बोला अभी क्यों करना चाहते हैं, आपकी बच्ची बस 6 months की है, थोड़ा आप रुक जाइए ये वो. फिर भी मैंने बोला नहीं, बिकॉज माई फ्रेंड्स हैव ऑल एडवाइज्ड मी, तो आप आ जाइए. और मैं भी चाहती हूँ कि इस दुर्गा पूजा सीज़न में उसका कान में यू नो छेद हो जाए, ताकि हम धीरे धीरे उसको इयर रिंग्स वगैरह पहना सके अच्छे अच्छे. शी स्टार्ट्स लुकिंग लाइक ए क्यूटी गर्ल. लेकिन फिर भी उनके दिमाग में थोड़ा सा वो क्वेश्चन मार्क और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उतना नहीं था. फिर मैं कल एक्चुअली रिसर्च करने बैठी अपने फ़ोन पे कि इन्फेंट का ईयर पियर्सिंग कैसे करने चाहिए. तो मुझे ये पता चला बहुत सारी लोगों से, बहुत सारी मम्मियों से, बेस्ट है सोने के तार से कर दो. मुझे मुंबई में माई सोनार बोल के ग्रुप है, ये लोग एक्चुअली इन्फेंट ईयर पियर्सिंग में माहिर है. दे ओनली डू इन्फेंट ईयर पियर्सिंग. विले पार्ले में है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा. और मुझे लगा कि जो लोग जिस चीज़ में एक्सपर्ट है वो काम उनसे कराने से अच्छा और कुछ नहीं हो सकता. तो मैंने इन लोगों को वहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर किया और जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया उसका एक ईयर रिंग विद अ छोटा सोने का दाना. उनसे मेरी बात हुई फ़ोन पे और उन लोगों ने दिखाया और बच्चों के ईयर पियर्सिंग ऐसे हो जाता है. तो मैं लियाना के लिए ऐसा कुछ कर रही हूँ, रिंग विद अ स्मॉल दाना, छोटा सा. उनका जो सोना है वो निकल मिक्स्ड नहीं है तो उसमें वो नहीं प्रॉब्लम, इन्फेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होगा. सो जो गनशॉट वाला है वो भले ही फटाक से हो जाता है लेकिन उससे कुछ ईयर में प्रॉब्लम होता है बच्चों का, क्योंकि ऑलरेडी बहुत छोटा होता है. आप लोगों को पता ही है कि जब मैं कोई भी चीज़ करती हूँ तो उसके तह तक घुस के, मतलब उसका मतलब रिसर्च करके ऐसी की तैसी कर देती हूँ. कॉन्फिडेंस है कि बहुत अच्छे और हाइजीनिक तरीके से लियाना का ईयर पियर्स हो जाएगा, लेकिन मैं नर्वस हूँ एंड होपफुली वो जो करेंगे ईयर पियर्स करने आएंगे वो जल्दी आ जाए और मेरा टेंशन जो हो रहा है ना, ढक 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 ढक, सुना ही दे रहा है क्या हार्ट बीट? देखा इतने ज़ोर से हार्ट बीट सुना ही दे रहा है, इतना ज़ोर से मेरा हार्ट बीट हो रहा है. बट यू नो लाइक अ न्यू मॉम, थोड़ा सब कुछ नया नया है, एक्साइटमेंट भी है. So let's get going. अब चलिए बाहर चलती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि लियाना के साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है उससे कान छिदवाने से पहले. तो ये आप देख सकते हैं कान में मैंने टॉप लैप बोल के एक नंबिंग क्रीम लगा के रखा है, आधे घंटे से लगा हुआ है ये नंबिंग क्रीम. और जो सोनार है, मतलब माई सोनार से आए हुए जो सोनार है वो भी अभी आ चुके हैं और अभी आप देख लीजिए, आई एम तो वेरी नर्वस. नमस्ते नमस्ते. तो ये है माई सोनार से आए हैं स्पेशली जो इन्फेंट का वो करते हैं. वाओ, आई एम लाइक वेरी नर्वस. पर लिखा हुआ है कि आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक वो नॉर्मल ना हो जाए, है ना? उसके कान में मैंने टॉप लैप लगा के रखा है. हाँ, आप कुछ बोल रहे थे ईस्ट वेस्ट, वो बोले ईस्ट वेस्ट हम ऐसे कह सकते, मतलब उस तरफ, उस तरफ. तो उन्होंने कहा ईस्ट वेस्ट की तरफ मुंह करके करते हैं, या तो ईस्ट की तरफ मुंह करके या वेस्ट की तरफ मुंह, नॉर्थ साउथ नहीं करते हैं. लियाना आ गई है, ये देखो उसके कान में हम लोगों ने आधे घंटे 45 मिनट से टॉप लैप लगा के रखा है ताकि कान नम हो जाए और फटाफट हो जाए. पर लियाना के पापा कहाँ गए, मैं अकेले इतना मतलब डेंजर का चीज़ वो कर पाऊँगी क्या? इसकी शक्ल में भी टेंशन. वाओ, लिखा हुआ है माई सोनार अडॉर्निंग द न्यू बॉर्न, हाउ स्वीट. टेम्परेचर परफेक्ट. एक्चुअली उसमें लिखा भी हुआ था कि अगर इन्फेंट बीमार है या उसको ईयर इन्फेक्शन है या ऐसा कुछ भी है तो नहीं कर सकते हैं. और ऐसा कपड़ा पहना है जो नीचे से खुल सकता है, ना कि सर के ऊपर से उखाड़ के खोलना पड़ेगा. उसको कुछ पता ही नहीं है बेचारी, वो इंतज़ार कर रही है अभी पटाक करके कान में घुसेगा. पर बड़ी होके बोलेगी मेरी माँ कितनी अच्छी है, पता चलने से पहले कान छिदवा दिया. तो मतलब कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है. दैट्स योर इयररिंग लियाना, दैट्स योर फर्स्ट गोल्ड इयररिंग.
How beautiful. This is the certificate. Pair of ear piercing needle with beads. How beautiful. उसने देख लिया, देखा अपने ऐसे करके और अप्रूव भी कर दिया. ठीक है, और कुछ चाहिए तुम्हें? Okay, so this is the post care manual. मतलब इसके बाद क्या क्या करना चाहिए. चलो हम दोनों मिलके पढ़ते हैं. Indian physicians and philosophers believe that piercing the ear helps in the development of intelligence, power of thinking and decision making faculties. मतलब ये सिर्फ ओल्ड एज कस्टम नहीं है कि लड़कियां हैं बोल के ईयर पियर्स कर दो. ईयर को छिदवाया पहले तो लड़के भी करते थे, इसलिए करते थे ताकि इंटेलिजेंस बढ़े, थिंकिंग पावर बढ़े, डिसीशन मेकिंग पावर बढ़े. हाउ ब्यूटीफुल इज दैट. मेल्स का हार्निया भी ठीक होता है कान में वो पहनने से. तो इनका पियर्सिंग होने के बाद 2-3 वीक्स आपको 2-3 बार दिन में सोफ्रामाइसिन अप्लाई करना. हाँ, मैं वो भी खरीद के रखी हूँ. रोज स्नान करने के बाद उसका ईयर लोब ड्राई करके थोड़ा कोकोनट ऑयल डाल के वो नीडल मूव कर. अच्छा, तो होल प्रॉपर से फॉर्म हो जाए. तब दर्द होगा क्या? मतलब जैसे इस कान का ये. वी आर रेडी. कितने बार अपने आप को रेडी बोल रही हूँ. मम्मी को देखो, मम्मी देखो कैसे भाग रही है. माँ पाला चुकन. अरे लाओ, सुनो, आज मैं तुम्हारा ईयर पियर्सिंग कर रही हूँ. हाँ ठीक है, मैं तुमको बोल के रख रही हूँ. फिर ऐसा मत बोलना मुझे बताया ही नहीं, फिर ऐसे पट करके कर दिया. मैंने तुम्हें बोला और तुमने ऐसे देखा मुझे. देखो लाओ. ठीक है, ओके. फिर सुंदर सुंदर हम लोग इयर रिंग्स पहनेंगे, फिर हम लोग सजेंगे दुर्गा पूजा के लिए. वाह कितनी क्यूट लगेगी. मम्मा और बेबी साथ में इयर रिंग्स पहन के तैयार होंगे. कुछ ही नहीं कर सकती, लिपस्टिक लगाई हुई हूँ ना. खुल रहा है. It comes with certificate. This is sterile pack. It's a pure gold. Yes, 18 karat. अच्छा, and what is this? This is beads. इतना बड़ा रहेगा क्या? होने के बाद आपको फोल्ड करके दिखा दूंगा ताकि हाथ में इसके ना आ जाए और खींच ना ले. इतना तो मैं करके आपको फोल्ड करके दिखा दूंगा. And what is this certificate for? This is 18 karat. Okay. तो उसका सर्टिफिकेट एंड इट इज स्टेराइल, इट डज नॉट हैव निकल एंड ऑल. तो वो सब मैंने पढ़ के ही बुलाया है. दैट वन इज आल्सो फॉर इन्फेंट्स, ओनली फॉर इन्फेंट्स. मैं भी करा लूँ क्या? कि मैं तो शूटिंग में हमेशा चिपकाता हूँ. करा लूँ क्या? मेजॉरिटी देखूंगा पहले. इसका कर ले, फिर मेजॉरिटी में देखेंगे कौन क्या बोलता है. मेजॉरिटी में जब सब बोलेंगे हाँ गुरमीत कर लो, गन शॉट से कर लेना. मम्मी से भी यू नो साहसी आ गए हैं चुके हैं पापा, क्योंकि मम्मी भी डरती है. पर लियाना के सामने मैं नहीं डरती हूँ, बिल्कुल नहीं डरती हूँ. लेकिन डर तो लगेगा, डर ही नहीं हो रहा है, तकलीफ होगी. इससे क्या होता है? किसको इन्फेक्शन होता है कुछ आजूबाजू. अच्छा, वो है क्या? तो इन्फेक्शन के लिए पहले चेक हो रहा है. Daddy Shark, Daddy Shark. पता नहीं चला. ये देखिए मैम, अभी देखो. ठीक है नहीं? अच्छा लगा. क्यों कराया फिर? खिलौना तो देख के ये बिल्कुल रोना इसका बंद हो गया है. इसको पेन का भी पता नहीं चला, कुछ पता नहीं चला. बिल्कुल नहीं रोई. तो फेवरेट खिलौना है ये. हाँ, इसका फेवरेट खिलौना. क्या बोल नहीं गया? थैंक यू. वेलकम. बिल्कुल भी अभी रोई नहीं, इसको पता ही नहीं चला. बिल्कुल भी थोड़ा भी पेन नहीं हुआ. थोड़ा अटेंशन उसका डाइवर्ट कर देते. पिछली बार वो थोड़ा इरिटेट हो रही होगी. कल खरीद के ला के रखी हूँ, तभी तो लेट हुआ बुलाने में. जैसे आया तुरंत आप ये तो हल्का का इसी यही एंटीसेप्टिक है. मैंने खोला भी नहीं. ये तो हिप्नोटाइज हो गए एकदम. हाँ, इसको और कुछ सूझी नहीं रहा. सोफ्रामाइसिन यहाँ से 2-3 हफ्ता लगा दीजिए. अच्छा, सब लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपको भी पियरिंग करनी चाहिए. तो मैं सबसे पहले मेजॉरिटी पूछ लेता हूँ. अगर मेजॉरिटी है कि मैं करना है तो मैं करूँगा. क्या बोलता करना है? एक वोट. देवी ना करना है? करना है.
दो वोट करना है शादा, तीन वोट कर लो। हाँ तो मेजॉरिटी मिल गया है कि मुझे करना है, कर सकते हैं क्या? लेकिन मैं बहुत रोता हूँ मैं रोने के बाद मार्शल आर्ट स्टार्ट कर देता हूँ, कुंग फू तो जिमनास्टिक कुंग फू, और मुझे ये भी चाहिए मैं बड़ा वाला लिया ना हूँ। लेकिन ऐसा नहीं, तुझे ऐसे कपड़े पहने तुझे नाचना होगा, तुझे ऐसा कपड़ा पहनना और गाना भी है। तो फाइनली लियाना का ये हो गया, कान में छिद आई और उसको पता भी नहीं चला। आई एम सो ग्लैड। अभी जो बड़ा लियाना है, आप लोग बोलते ना पापा जैसे, कैसी लग रही है लेकिन क्यूट सी, कान में छोटी छोटी इयर रिंग्स लगा के। तो देखा जाए तो दुर्गा पूजा के लिए लियाना का ईयर पियर्सिंग हो गया। गुरमीत अभी सोच रहे हैं कि उसको कान छिदवाना है या नहीं, तो फाइनली जो भी होता है आप लोग वो देख लेंगे। तो हमारी जो बड़ा लियाना है वो रेडी हो गए हैं, उनके लिए ये सिलेक्ट किया उन्होंने। बच्चों को ये भी करते हैं एक्चुअली, ये ऑप्शन भी लियाना के लिए दिखाया था पर फिर मुझे समझ भी नहीं आया था एक्चुअली, तो वो रिंग किया क्योंकि आई एम ऑल्सो वेरी ट्रेडिशनल पर्सन। बचपन में मेरा भी रिंग ही आया था तो मैंने भी लियाना के लिए रिंग सिलेक्ट किया, पर लियाना के पापा ये वाला कर रहे हैं। सो अभी अब लियाना के बाद अब मेरी बारी है और मैंने सबको बोला कि आप बिल्कुल डरो मत क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ, मेरी सिर्फ फटती है। एक्चुअली इनको ज्यादा डर लग रहा है, नहीं ना पक्का ना? बस आप कॉन्फिडेंस में है तो मैं भी कॉन्फिडेंस हूँ। सहारा ना मिला आपने छुपा, मुझे पेन हुआ। ये और मेरी तैयारी हो रही है, आप देखिए ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मैं जू में हूँ और सब लोग आ चुके हैं देखने के लिए। लियाना के टाइम पे कोई नहीं आया देखने के लिए, मैं बैठा हुआ था, अभी लियाना भी आ गई है। स्टार्ट हो गया क्या? जय श्री राम और बजरंग बली की जय। जय I gave my wow. आप समझ के कान वान फंस तो नहीं जाएगा ना कपड़े वपड़ों में। सो हो गया है मेरा, अभी आप देख लो आप लोगों के सामने। मुझे तो एक्चुअली बहुत पसंद आ रहा है यार, इनफैक्ट पहला लगाते ही देवीना का और आंटी का रिएक्शन ही था कि वाओ। आपको कैसा लगा आप जरूर बताना। देवीना कैसा लगा मुझे बताओ। मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी तो ऑप्शन ही नहीं है ना, ना नहीं बोलोगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगे हम सब के लिए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू देवीना डीकोड्स एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, हर मी एंड हिम ऑन दीज आर आवर इंस्टाग्राम हैंडल्स एंड आई लव यू गाइस टू।